गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर शहर छोड़ते ही एक दवा व्यापारी नीरज की हत्या का विरोध आज सड़कों पर दिखा। दवा व्यापारियों ने आज अपनी दुकानें बंद रखी और गांधी प्रतिमा के सामने जाम लगाकर प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि आए दिन व्यापारी की या तो हत्या हो रही है या वो लूट का शिकार हो रहे हैं, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। ये तस्वीर है दवा व्यापारी नीरज राम नायका की, जिसकी कैंट क्षेत्र के बेतिहायता इलाके में देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। नीरज की लहलादपुर में दीपक मेडिकल नाम से दवा की दुकान है। व्यापारी की हत्या से जहां पुलिस के होश उड़ गए, तो वहीं आज विरोध स्वरूप दवा कारोबारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी और टाउन हॉल इलाके में जाम किया। व्यापारियों ने हत्या का खुलासा न होने पर अनिश्चितकालीन बंदी की चेतावनी दी है। वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस छानबीन में जुट गई है और घटना के शीघ्र खुलासे का दावा किया गया। बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही घी तेल के थोक व्यापारी चंद्र प्रकाश की लूट के बाद हत्या कर दी गई, और अब दवा व्यापारी की हत्या ने लोगों को ये कहने पर मजबूर कर दिया है कि जब सीएम की शहर में ये हाल है तो प्रदेश में जाने क्या होगा। अभी तक क्या जानकारी, रात लगभग 10-10:30 बजे के बीच में एक दवा व्यवसायी हैं, बक्सीपुर के रहने वाले हैं, उनकी घर के नज़दीक पहुंचने पर एक बदमाश ने गोली मारकर हत्या कर दी है। उसके बारे में उन लोगों के द्वारा जो भी बात आई, जिनसे दुश्मनी थी, जो उनकी हत्या कर सकते हैं, जिन लोगों का नाम उन्होंने बताया था, रात भर पुलिस ने दबिश देकर उन सबकी गिरफ्तारी कर लिया है। पूछताछ जारी है। सीसीटीवी कैमरे का फुटेज निकाला गया है। चूँकि मारने वाले बदमाश की संख्या केवल अकेले थी, तो जो अब तक संदिग्ध उठाए गए हैं, जो सब लोग उसमें पकड़े गए हैं, उसमें से वेरीफाई टेक्निकली साक्ष को वेरीफाई करके शाम तक उसमें इस घटना का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। जी 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 जी, नीरज राम रायका के हत्या से सारा व्यापारी समाज बहुत आक्रोशित है और हम लोग इसे एकदम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। व्यापारी आए दिन इसका शिकार हो रहा है, व्यापारी समाज आज कहीं सुरक्षित नहीं रह गया है, और इस तरीके की घटनाएं प्रशासन पर प्रश्नचिन्ह है। प्रशासन जब कोई सहयोग मांगता है, हम लोग हरदम करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हम मरने के लिए तैयार नहीं है। हमारा व्यापारी समाज आए दिन आए दिन हत्या कर दिया जा रहा है। इसके पहले 2 महीना पहले भी चंद्रप्रकाश तेवड़ीवाल जी का हत्या हुआ था। कल मुख्यमंत्री जी शहर में थे। अगर मुख्यमंत्री जी के शहर में हम सुरक्षित नहीं हैं, तो व्यापारी कहाँ सुरक्षित रहेगा। व्यापारी दिन रात मेहनत करता है, 24 घंटा सरकार को टैक्स देता है, हर रूप से प्रशासन को सहयोग करता है, और उसकी दुकानें आज मार्केट एकदम बंद रहेगा। जरूरत पड़ेगी तो आने वाले समय में रिटेल से होलसेल तक एकदम अनिश्चितकालीन हम लोग बंदी पर जाएंगे। अगर जल्द से जल्द घटना का पर्दाफाश नहीं हो गया, सही आदमी नहीं पकड़ा गया, तो हम इसे बर्दाश्त करने वाले किसी सूरत। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम के लिए गोरखपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट।